राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और माँ के हर रूप की अलग महिमा भी है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। देवी चंद्रघंटा का वाहन सिंह है, इनकी 10 भुजाएं और 3 आंखें हैं। आठों हाथों में खड़ग बाण जैसे दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं और 2 हाथों में ये भक्तों को आशीष देती हैं। इनका संपूर्ण शरीर दिव्य आभा में है। इनके दर्शन से भक्तों को हर तरह का से कल्याण होता है। माता भक्तों को सभी तरह के पापों से मुक्त करती है। इनकी पूजा से बल और यश में बढ़ोतरी होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक मधुरता आती है। देवी के घंटे सी प्रचंड ध्वनि से भयानक राक्षस भी भय खाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नव दुर्गा हिंदू धर्म में माता दुर्गा या माता पार्वती के 9 रूपों को एक साथ कहा जाता है। इन्हें पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन और अस्त्र शस्त्र हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन का क्या महत्व है? दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का होता है। इस दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की उपासना की जाती है। इनके सिर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। माँ चंद्रघंटा तंभ साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। माता की पूजा कैसे करें? दोस्तों, माँ चंद्रघंटा जिनके माथे पर घंटे के आकार का एक चंद्र होता है, इनकी पूजा करने से शांति आती है, परिवार का कल्याण होता है। माँ को लाल पुष्प चढ़ाएं, लाल सेव और गुड़ चढ़ाएं, घंटा बजाकर पूजा करें, ढोल और नगाड़े बजाकर पूजा और आरती करें। ऐसा करने से शत्रुओं की हार होती है। इस दिन गाय के दूध का प्रसाद चढ़ाने से विशेष विधान है, इससे हर तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों को सदगति देने वाला है। हमारे मस्तक पर माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए माँ को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है और इनके 10 हाथ हैं। वे खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। माँ सिंह पर सवार दुष्टों के संहार के लिए हमेशा तैयार रहती है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकारी सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का वह उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को क्रोध आया और तीनों के क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने
देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी, सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्र घंटा महिषासुर के पास पहुँची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ देवताओं की रक्षा की। इस हे माता रानी, जैसे आपने देवताओं की रक्षा की, ऐसे ही अपने सभी भक्तों की रक्षा करना। बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो माता रानी की जय।